नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अगर आप अदाकारी देखने के शौकीन हैं तो आपको फिल्मों के एक्टर्स एक्ट्रेस की बजाय नेताओं के चेहरों के हाव भाव पढ़ने चाहिए और उनके बयानों पर नजर दौड़ानी चाहिए। ऐसा ही मामला दमोह जिले के पथरिया से है, जहां पर विधायक रामबाई परिहार का बयान सामने आया है। दरअसल एक बयान में जहां पहले उन्होंने CAA के समर्थन में अपनी बात कही, तो वहीं जब इस बात की खबर लगी कि उन्हें बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो फिर देखिए कि उनके चेहरे के हाव भाव और रंग कैसे बदले हुए नजर आ रहे हैं। ये जो निर्णय हुआ है संशोधन, जो नागरिकता बिल संशोधन पास हुआ है, ये बिल्कुल मैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूँ और मैं उनके समर्थन में हूँ। मेरा पूरा परिवार उनके समर्थन में है, क्योंकि ये बहुत अच्छा निर्णय उनने लिया है। और ये तो निर्णय बहुत पहले ले लेने चाहिए था उनको, जब वो पहले थे विधान, मतलब अपने प्रधानमंत्री थे। पर चलो, जब नहीं हुआ तो अब हुआ, पर उनके निर्णय में हम बिल्कुल समर्थित हैं। और अगर लगता है उनको कि मैंने उनका विरोध किया है, तो मैं अपने शब्दों को वापस ले। क्या पार्टी ने अब तक कोई पत्र वगैरह दिया, फोन पे कोई सूचना दी है आपको? अब देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात बोल रही, क्या कोई बच्चे गलती कर देते तो माँ बाप बाहर तो नहीं निकालते, तो वो मेरे माँ बाप के समान है। और मैं गलती कर, कई बार मैंने गलती की, उन्होंने मुझे माफ़ किया है और इस बार भी कर देंगे। मैं उनके साथ थी, उनके साथ हूँ। जी हाँ, ये दो वीडियो हैं जिनमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पहले CAA के समर्थन में उन्होंने दबंगी से अपनी बात कही, लेकिन जब इस बात की जानकारी लगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की बात कही है, तो इस बात को लेकर वे बिल्कुल एक बच्चों जैसे अबोध नजर आईं और यही कहा कि अगर बच्चों से गलती हो जाती है तो उन्हें माफ भी कर दिया जाता है। देखिए, पढ़िए दोनों बयानों में उनके चेहरे के हाव भाव और उनके बदले हुए तेवर। ये जो निर्णय हुआ है संशोधन, जो नागरिकता बिल संशोधन पास हुआ है, ये बिल्कुल मैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूँ और मैं उनके समर्थन में हूँ। मेरा पूरा परिवार उनके समर्थन में है, क्योंकि ये बहुत अच्छा निर्णय उनने लिया है। और ये तो निर्णय बहुत पहले ले लेने चाहिए था उनको, जब वो पहले थे विधान, मतलब अपने प्रधानमंत्री थे। पर चलो, जब नहीं हुआ तो अब हुआ, पर उनके निर्णय में हम बिल्कुल समर्थित हैं। बहन जी ने जो मीडिया में देखा है और जो मीडिया ने मेरे टोर मरोड़ के जो छापा है और जो दिखाया है, वो वैसा नहीं है। मैं पार्टी की विचारधारा मेरे नस नस में भरी है और मैं बहन जी के साथ आखिरी सांस तक हूँ। चाहे वो निकालें कुछ भी कहें, मैं उनके समर्थन में थी और पार्टी की विचारधारा के साथ हूँ। और मुझे जानकारी नहीं थी जो आप लोग, मतलब के अगर ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं बहन जी से हट के कभी नहीं रह सकती। और अगर लगता है उनको कि मैंने उनका विरोध किया है, तो मैं अपने शब्दों को वापस ले। क्या पार्टी ने अब तक कोई पत्र वगैरह दिया, फ़ोन पर कोई सूचना दी है आपको? अब देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात बोल रही, क्या कोई बच्चे गलती कर देते तो माँ बाप बाहर तो नहीं निकालते, तो वो मेरे माँ बाप के समान है। और मैं गलती कर, कई बार मैंने गलती की, उन्होंने मुझे माफ़ किया है और इस बार भी कर देंगे। मैं उनके साथ थी, उनके साथ हूँ। था नागरिक संशोधन, मैंने ये नहीं बोला था कि कोई इधर के लोगों के लिए, इधर के जो लोग हैं उनके लिए तो नागरिकता है ही। मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि जो बाहर के आतंकवादी आते हैं अपने देश में और इधर स्थापित हो जाते हैं और आतंक मचाते हैं, तो उनको इधर से भगाने चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि कोई इधर के लोगों के खिलाफ के हिंदू या मुस्लिम, नहीं। मैं तो पहले मानवता और इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं मानती हूँ, तो मैंने सिर्फ आतंकवादियों के प्रति ये बात रखी थी कि, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो